गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने चैप्टर 12 पढ़ा था, जिसका क्या नेम था? लालू और पीलू। इस चैप्टर को हमने अच्छे से पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 के बाद में जो पठन कार्य है, जो पठन कार्य है उसको अच्छे से पढ़ेंगे। क्या करेंगे? उसको अच्छे से पढ़ेंगे। ये क्या है? ये पठन कार्य है। क्या है? पठन कार्य है। इसको क्या करेंगे? इसको अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। ओके, जिसका क्या नेम है? हसो हसाओ। हसो हसाओ, जिसका नेम क्या है? हसो और हसाओ। नेहा तुम इधर आओ। नेहा तुम इधर आओ। ये क्या बोल रहे हैं? नेहा तुम इधर आओ। मेघा मैं नहीं आ सकती। मेघा मैं नहीं आ सकती। मेरा पैर सोया हुआ है। मेरा पैर क्या है? सोया हुआ है। नेहा तुम इधर आओ। मेघा मैं नहीं आ सकती, मेरा पैर सोया हुआ है। मेरा पैर क्या है? सोया हुआ है। नेहा झूठ मत बोलो। नेहा झूठ मत बोलो। खराटे की आवाज तो आ ही नहीं रही। खराटे की आवाज तो आ ही नहीं रही। नेहा तुम इधर आओ। मेघा मैं नहीं आ सकती, मेरा पैर क्या है? सोया हुआ है। नेहा झूठ मत बोलो। खराटे की आवाज तो आ ही नहीं रही। जब कोई सोते है तब आवाज किसकी आती है? खराटे की आवाज आती है ना। तो वो बोल रही है कि खराटे की आवाज तो आ ही नहीं रही। आप बोल रहे हो कि मेरा पैर सोया हुआ है, तो खराटे की आवाज तो नहीं आ रही। आगे क्या है? ये सेव ले लो, ये कश्मीरी है। ये सेव, ये क्या बोल रहा है इसको? ये सेव ले लो, ये क्या है? ये कश्मीरी है। क्या है? सेव कश्मीरी है। ये क्या बोल रहा है? ये सेव ले लो, ये कश्मीरी है। तो ये क्या बोल रहा है? नहीं मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा। वहां नहीं बिके तो यहाँ हमें ठगने आए हो। ये क्या बोल रहा है कि हम तो नहीं ले रहे हैं, आपके सेव कश्मीर में नहीं बिके तो आप क्या कहाँ आ गए? आप यहाँ पे ये सेव बेचने के लिए आ गए, हम तो इनको नहीं लेंगे। ये बोलता है कि ये सेव ले लो, ये क्या है? ये सेव कश्मीरी है। तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है नहीं मैं तो नहीं लूंगा। ये मना क्यों किया इसने? इसने कहा वहां नहीं बिके तो आप यहाँ पे क्या आ गए? यहाँ पे हमको ठगने के लिए आ गए। हमको यहाँ पे क्या आ गए? ठगने के लिए आ गए। क्या बात है, क्यों जगा रहा है? ये क्या बोल रहा है? ये क्या कर रहा है? इसको जगा रहा है। क्या कर रहा है? इसको जगा रहा है। तो ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं क्या बात है, क्यों जगा रहा है? ये क्या बोल रहे हैं? क्या बात है, क्यों जगा रहा है? तो ये क्या बोलते हैं? जी मैं आपको नींद की दवा देना भूल गया था। तो ये क्या बोल रहा है? जी मैं आपको क्या भूल गया था? जी आपको मैं नींद की दवा देना भूल गया था। क्या बात है, क्यों जगा रहे हो? जी मैं आपको नींद की दवा देना भूल गया था। मधुमक्खी मधु इकट्ठा करती है। ये औरत क्या बोलती है? मधुमक्खी मधु इकट्ठा करती है, इसलिए इसे मधुमक्खी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? मधुमक्खी कहते हैं। ये औरत क्या बोल रही है अपने बच्चे को? ये बोल रही है कि मधुमक्खी क्या करती है? वो मधु इकट्ठा करती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? इसलिए उसको मधुमक्खी कहते हैं।
क्या कहते हैं इसलिए उसको? मधुमक्खी कहते हैं। तो ये बच्चा क्या बोलता है? ये बच्चा बोलता है तब तो मम्मी तितली बटर इकट्ठा करती है। तब तो मम्मी क्या करती है? मधुमक्खी को अगर मधु इकट्ठा करने से उसको मधुमक्खी कहा जाता है तो मम्मी तो क्या करती है? तितली बटर इकट्ठा करती है। क्या करती है? तितली और बटर इकट्ठा करती है। इसलिए उसको क्या कहा जाना चाहिए? बटरफ्लाई कहते हैं। इसलिए इसे तो बटरफ्लाई कहते हैं। तब तो मम्मी तितली बटर इकट्ठा करती है इसलिए इसे बटरफ्लाई कहते हैं। तो ये औरत क्या बोलती है अपने बच्चे को? ये बोलती है कि मधुमक्खी क्या करती है? मधु इकट्ठा करती है। क्या करती है? मधु इकट्ठा करती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मधुमक्खी कहा जाता है। तो ये बच्चा बोलता है तब तो मम्मी तितली बटर इकट्ठा करती होगी इसलिए इसे बटरफ्लाई कहते हैं। तो ये क्या है? ये एक अपना पठन कार्य है। क्या है? ये एक पठन कार्य है जिसका क्या नेम है? हसो हसाओ। जिसका क्या नेम है? हसो हसाओ। ये क्या है? पठन कार्य है जिसका नेम है हसो और हसाओ हसाओ। तो इसको आपको क्या करना है आज? इसको आज आपको अच्छे से पढ़ना है। क्या करना है? अच्छे से पढ़ना और इसको अच्छे से समझना है। क्या करना है? इसको अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना है। ओके, तो आज आप क्या करोगे? इस पठन कार्य को अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो कल हमने क्या पढ़ा था? 12वें चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़े थे। किस किसने किए? सबने अपनी नोटबुक में किए क्या? सबने किए। तो ये पठन कार्य आज आपको अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना है। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।